हाय दोस्तों, कहते हैं आप लोग। और आज के वीडियो में जानेंगे कि हरिण कश्यप का विनाश करने वाले नरसिंह भगवान का क्या हुआ। हरिण कश्यप के वध करने के बाद क्या वो ब्रह्मांड में विचरित करते रहे या अदृश्य हो गए या उनका फिर वध होकर दिया गया। और आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी नहीं सुना होगा। कहा जाता है कि हरिण कश्यप के वध करने के पश्चात नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो उठा। ऐसी स्थिति में सभी देवताओं ने महादेव से जाकर प्रार्थना की कि वो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करें। तब शिवजी ने वीरभद्र को नरसिंह को शांत करने के लिए भेजा, परंतु वीरभद्र भी उनका क्रोध शांत नहीं कर सके। तब अंत में जाकर महादेव ने सर्वेश्वर अवतार लिया। शिवजी के इस रूप को सर्व अवतार भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पक्षी और शेर का मिश्रण होता है। सर्व अवतार में महादेव ने नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने का प्रयास किया, परंतु नहीं कर सके। तब निरंतर अब 18 दिनों तक सर्व भगवान और नरसिंह भगवान का युद्ध चला। इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था। जब समय के साथ नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होने लगा, तब उन्होंने विचार किया कि शिव जी ने ये रूप केवल उनका क्रोध शांत करने के लिए लिया है। तब नरसिंह भगवान ने स्वयं को शांत किया और विष्णु में विलीन हो गए। वहीं कुछ कथाओं के अनुसार शिवजी के सर्व अवतार का रूप बहुत भयंकर बताया गया है। उनके सामने नरसिंह रूप की शक्तियां भी खत्म हो गई थीं और नरसिंह भगवान ने समर्पण कर स्वयं को शांत किया और भगवान विष्णु में विलीन हो गए। इस तरह भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और शिवजी के सर्व अवतार द्वारा संपूर्ण सृष्टि को नरसिंह भगवान के क्रोध से बचाया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।